कुछ लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तमन्ना तो चांद पर पहुंचने की होती है, लेकिन पायलट को ही पीटने पर उतारू होते हैं। मौत आती है तो डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अब वही डॉक्टर नर्स जिंदगी बचाने के लिए पहुंचे तो उन पर पत्थर फेंके गए। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम में शामिल महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में लोगों पर आए काल को टालने के लिए जब देवदूत पहुंचे तो बिलोतीपुरा के लोगों ने अपनी जाहिली का जीता जागता नमूना पेश कर दिया। ये टीम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी, ये टीम इलाके के लोगों को नई जिंदगी देने आई थी, लेकिन जिसे मौत प्यारी हो उसे जिंदगी के अच्छे शब्द कहां पसंद आने वाले थे। मध्य प्रदेश में ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी एमपी के इंदौर में मेडिकल टीम पर हमला हुआ था, उन पर डंडे बरसाए गए, डॉक्टरों को पीटा गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने उन पर एनएसए का डंडा चलाया। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के लोगों को ना तो सरकार के डंडे का खौफ है और ना ही मेडिकल स्टाफ के लिए कोई रेस्पेक्ट। जरूरी है कि शिवराज सरकार ऐसे लोगों को फौरन जेल में डाले। यहाँ पर कंडीशन हो रही है ना कि हम नहीं बताएंगे आपको, आप किस चीज से क्यों मांग रहे हो सारी जानकारी, हमने उनको बोला तो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। इस बीमारी से बचाते हैं, सर्दी खांसी डायबिटीज बीपी इस तरह के पेशेंट को हम लोग मिलेंगे और आप लोगों की जांच होगी, सैंपल ले जाएंगे आपको। बोले नहीं, हम भी दो बार गए, तीन बार गए, आपकी बार आओगे तो हम लोग आपको पत्थर मारेंगे, हमारे एरिया में घुसना नहीं। हम लोगों ने बहुत मुसीबत से सर्वे किया, जबकि पांच बार हमने सर्वे किया, हमारे साथ पूरी टीम गई, पुलिस फोर्स गया। उसके बाद हमने वहाँ के जो एरिया के वॉलंटियर थे, जो वॉलंटियर जिनको बनाया था, जो उन लोग उसके समाज से थे, जब थोड़ा वो जाके थोड़ा नॉर्मल हुए, उन लोगों ने समझाया, कभी कभी तो उनकी भी बात नहीं।